अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 1H का रिवाइज कर लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो भी हमने अभी तक पढ़ा रेशनल नंबर को, उस सारे चीज को ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि -5/16 +7/12 कितना होगा। इसको ऐड कर लेते हैं, -5/16 +7/12। सबसे पहली बात है, इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। क्या करेंगे, सेम कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा तो देख लेते हैं। तो इसको 2 से करते हैं तो 8 हो गया, ये 6 हो गया। अगेन 2 से करते हैं तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब तो होगा नहीं, तो 2 × 4 जगह 16 48 आ गया, इसका एलसीएम 48 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को 14 करेंगे, ठीक है, या सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना हो गया, 48 हो गया, और 16 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। देन 3 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 प्लस 12 को 48 को 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, और 4 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 13/48 -13/48 आ गया, नहीं +14 आया। क्यों, क्योंकि ये 28 जो है इस 15 से ग्रेटर, इसलिए 13/48 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट का आंसर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। उसी तरह जो है अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है या 8/-15 +4/-3। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहां देखिए 8/-15 +4/-3। सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं, देखे हैं कि -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके नेगेटिव्स होता है, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। तो हम क्यों नहीं इसके न्यूमरेटर में कर दें, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूं। तो -8/15 +-4/3। अब क्या करेंगे, 15 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो जैसे ही 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। देन 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 बार में, देन 1 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस, देन 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 बार में, देन 5 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, -20। अब देखिए दो सेम टाइप के इंटीजर को ऐड कर रहा हूं, तो 20+8 कितना होगा, -28/15 आ गया। तो -28/15 सेकंड में क्या है, यहां पे, तो बी नंबर सही हो गए, ठीक है। उसी तरह 3 नंबर कह रहा है 7/-26 +16/39। इसको कैसे करेंगे, तो यहां देख लीजिए, तो 7/-26 +16/39, ठीक है। तो इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं, -7/26 +16/39। तो इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे 26 और 39 का, तो 2 से करते हैं तो 2 से तो नहीं होगा नहीं, तो यहाँ पर किसके होगा, 6 × 2 = 8, तो ये 8 13 सौ होंगे, तो 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, ठीक है। 13 × 3 = 39 कितना होगा, 39 हो गया, और 39 × 2 तो 9 × 2 = 18, और 6 × 7 = 78, तो मतलब यहाँ पे 78 आ जाएंगे। तो 26 से 78 को डिवाइड करेंगे, कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 26 तो 6 × 6 = 24, तो कितना, तो 78 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, तो 6 × 3 = 18, हाँ, तो फिर 3 से 3 बार में डिवाइड होते हैं, 3 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -21 प्लस 39 से 78 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, देन 2 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ, 16 × 2 = 32 हो गया। देन तो 2 में से 1 गया 1 हो गया, 3 में से 2 गया 1/78, तो 11/78 कहीं है, हाँ 11/78 जो आपका फर्स्ट है, ठीक है, डन हो गया, ठीक है। उसी तरह जो था है, अब हम देखते हैं 4 नंबर 3+5/-7। तो देखिए 3 प्लस जो है 3+5/-7, तो इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, हम पढ़ चुके हैं +-5/7। अब इसको आप कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, 1 और 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, देन 1 से 7 को डिवाइड कीजिएगा 7 बार में, देन 7 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 प्लस 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, देन 1 से -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएंगे। तो 21 में से 5 गया कितना हो गया, तो आपका 11 में से 5 गया 6 और ये 1 हो गया, 16/7 हो गया,
तो 16/7 कहीं है, हाँ 16/7 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये भी अपना सॉल्व हो गया, देन और लेते हैं, ठीक है क्वेश्चन। तो 5 नंबर में है, कह रहा है 31/-4 प्लस -5/8 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां भी अभी एडिशन केवल बता रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट 31/-4 प्लस -5/8, देन इस डिनोमिनेटर इस नेगेटिव को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, -31/4 प्लस -5/8, 4 और 8 कैल्सियम लेंगे कितना होगा, तो 8 हो जाएंगे, देन 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, देन 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 2 जा 6, -62 प्लस देन या -5 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 5 to 7 हो जाएगा, एंड देन 65/8 -65/8 62 + 67 होगा जी, 67/8। तो देखिए, तो -67/8 डी नंबर आंसर हो गया। अब कह रहे व्हाट शुड बी एडेड 7/12 टू गेट -4/15, कह रहे 7/12 में क्या ऐड करें कि हमें -4/15 आ जाए, तो हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें जो था एक्स ऐड कर देते हैं, देखिए कैसे। तो हमको नहीं पता है 7/12 में क्या ऐड करेंगे कि हमको -4/15 मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं इसमें एक्स ऐड कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, मतलब इक्वल के इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -4/15 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -7/12 देन कितना हो जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम निकालिए कितना हो जाएगा, तो 15 एंड 12 का तो 3 × 5 = 15 और 3 × 12 तो 5 × 3 = 15 और 15 × 60 तो 60 हो गया, 15 से 60 को 4 बार में, देन 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो गया, माइनस जो है देन उसके बाद 12 से जो है इसको डिवाइड कर 60 को तो 5 बार में, देन 5 से 7 से मल्टीप्लाई करोगे 35 हो जाएगा, तो कितना हो गया, तो 5 × 6 = 11 3 × 4 = 5 51 -51/60 तो इसको और कैंसिल कर सकते हो फर्दर, तो ये कितना हो गया आपका 17 × 3 = 51 और ये 20 × 3 = 60 तो -17/20 आ गया। तो इसमें देखिए -17/20 बी नंबर। तो 7 नंबर देखते हैं, बोलता है 2/3 प्लस -4/5 प्लस 7/15 प्लस -11/20, ठीक है। तो यहां पे जो था ऐसे सबको एक बार में सॉल्व नहीं करेंगे, इसको क्या करें ब्रेक कर देंगे ताकि इसको सॉल्व करना इजी हो जाए, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, तो हम जानते हैं किसी भी दो नंबर को ऐड करेंगे, अगर बहुत सारा नंबर है हमारे पास तो सबको ऐड करना ही हो तो किसी भी दो नंबर को ऐड करके जो भी सम आए तीसरे के साथ ऐड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे आंसर में कोई गलत नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं इस पे, तो देखिए 2/3 हो गया, 2/3 प्लस -4/5 हो गया, उसके बाद प्लस 7/15 हो गया प्लस -11/20 आ गया। तो हम क्या करते हैं इसको ब्रैक ऐसे कर देते हैं, इसको इसको ऐड कर लेंगे और इसको इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो 3 से 5 बार में, देन 5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 5 से 15 को डिवाइड करें 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा 12 हो जाएगा। देन उसके बाद जो है 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा, देन 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, देन 4 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, प्लस 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, देन 3 से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे -33 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे -2/15 हो गया, और यहां पे कितना हो गया -5/60 हो गया, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 60 हो जाएगा, तो 15 से 4 बार में, देन 4 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, देन यहां पे देखिए 60 को 61 बार में, देन 1 से ये -5 ही हो जाएगा, तो कितना होगा -13/60। क्या आंसर है, थोड़ा सा फास्ट चला लेकिन -13/16 आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज -4/3 इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस एंड व्हाट इज द अदर, तो कह रहा है दो नंबर का सम जो है यह है, तो हमसे पूछ रहा है अगर दो नंबर है तो दो नंबर को ऐड करने पर यह आता है और एक नंबर दिया तो दूसरा क्या होगा। तो देखिए हमको नहीं पता दूसरा क्या होगा, उसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो लेट अदर जो है
अदर बी एक्स, मान लिया। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस एक माइनस फाइव है, इस दोनों को ऐड करने में कितना आ रहा था मेरा, माइनस फोर बाय थ्री अपना आ रहा था, ठीक है। तो अब देखिए x इसको इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, x इजिली आपको मान लीजिए माइनस फोर बाय थ्री प्लस, इधर माइनस है तो प्लस लेगा, कुछ नहीं तो वन हो गया, तो देन थ्री और वन का एलसीएम थ्री, देन थ्री से यहाँ पे माइनस फोर ही हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा फिफ्टीन हो जाएगा, तो कितना होगा इलेवन, इलेवन बाई थ्री। इसका मतलब जो है इससे कहाँ पे गया, यहाँ पे देख लेते हैं, कर सम ऑफ टू नंबर माइनस फोर बाई थ्री, वन इज इतना अदर, तो अदर कितना होगा ये आपका हो जाएगा 11 बाई थ्री, नुमा 11 बाई थ्री हो जाएगा, मतलब अगर 11 बाई थ्री को और माइनस फाइव को ऐड करोगे तो डेफिनेटली माइनस फोर बाई थ्री आ जाएंगे, ठीक है। नाइन नंबर देखते हैं, कहते हैं व्हाट शुड बी एडेड टू माइनस फाइव बाई सेवन टू गेट माइनस टू बाई थ्री, तो कह रहा है कि माइनस फाइव बाई सेवन में ऐसा क्या ऐड कर दें ताकि माइनस टू बाई थ्री मिल जाए। हमको नहीं पता है कि माइनस फाइव बाई सेवन में क्या ऐड करेंगे कि माइनस टू बाई थ्री मिलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें एक्स ऐड करेंगे, तो जैसे हमको मालूम चल जाएगा क्या ऐड करेंगे, ठीक है, उससे हमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, तो इसका मतलब वो ऐड करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। चलिए माइनस फाइव बाई थ्री में हमने एक्स ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, हमें जो है कहां पे गया माइनस टू बाई थ्री मिल गया, ठीक है। देन एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री माइनस फाइव बाई सेवन है जी, माइनस फाइव बाई सेवन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो थ्री और सेवन का एलसीएम कितना होगा ट्वेंटी वन, तो थ्री से ट्वेंटी वन को डिवाइड करेंगे तो सेवन बार में, सेवन से टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर्टीन, प्लस ये सेवन थ्री फाइव कितना होगा फिफ्टीन, तो कितना आ गया माइन वन बाई ट्वेंटी वन, मतलब जो है कि माइनस फाइव बाई सेवन में अगर हम वन बाई ट्वेंटी वन को एड करते हैं तो हमको डेफिनेटली जो है माइनस टू बाई थ्री मिलेगा, इसका मतलब आंसर नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। करे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस फाइव बाई थ्री टू गेट फाइव बाई सिक्स, करे कि माइनस फाइव बाई थ्री, माइनस फाइव बाई थ्री से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमको फाइव बाई सिक्स मिल जाए। हमको नहीं पता है, जब नहीं मालूम है तो एक्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको अपने आप मिल जाएगा। तो देखिए टेन नंबर जो है, तो माइनस फाइव बाई थ्री में से अगर हम फाइव बाई सिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस फाइव बाई थ्री में से फाइव सिक्स को सेपरेट करेंगे, इसको ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, माइनस फाइव बाई थ्री में से जो है एक्स को सेपरेट करेंगे तो हमको डेफिनेटली कितना मिलेगा फाइव बाई सिक्स मिल जाएगा। तो देखिए तो हम क्या करते हैं माइनस एक्स को उधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस फाइव बाई थ्री और इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस फाइव बाई सिक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। थ्री और सिक्स का एलसीएम कितना होगा सिक्स, थ्री से सिक्स को डिवाइड करेंगे तो टू बार में, देन टू से फाइव से मल्टीप्लाई करें माइनस टेन, और यह आपका माइनस फाइव के फाइव ही रहने, आप जानते हो, तो माइनस फिफ्टीन बाई सिक्स, देन इसको थ्री से कीजिए, तीन दुना छह और तीन पचे पंद्रह, देन एक्स इक्वल टू जो है कितना आ गया माइनस फाइव बाई टू। इसका मतलब जो है इस माइनस फाइव बाई थ्री में से अगर माइनस फाइव बाई टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमको फाइव बाई सिक्स आ जाएगा। इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा डी होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि माइनस थ्री बाई सेवन का, माइनस थ्री बाई सेवन का एडिट क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो देखिए तो माइनस थ्री बाई सेवन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, जो भी है इसको 180 से घुमा दो, 180 से मतलब होना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पोजीशन पे, देखो माइनस थ्री को यहां ला दीजिए और सेवन को ऊपर ले जाइए, आराम से उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाएगा, डेट मीन्स जो है सेवन बाई माइनस थ्री हो गया, लेकिन यह आंसर नहीं आएगा क्योंकि हम जानते हैं डिनोमिनेटर को माइनस नहीं रखेंगे, नेगेटिव नहीं रखेंगे, इसलिए क्या करेंगे माइनस वन से मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में माइनस के ऊपर शिफ्ट कर दें तो माइनस सेवन बाई थ्री अपना आंसर आ जाएगा, देखिएगा माइनस सेवन बाई थ्री, ठीक है। तो कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज माइनस ट्वेंटी एट बाई एटी वन, तो इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस तो फाइंड द अदर, कह रहा है कि दो नंबर को हम जब गुना कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट इतना आ रहा है, तो यदि एक नंबर इतना है तो दूसरा नंबर क्या है, यहां पर भी नहीं पता है दूसरा नंबर को एक्स मान लेंगे, क्या दिक्कत है, जो नहीं दिया उसको एक्स मान के सॉल्व करेंगे। तो मान लेते एक नंबर हमें दिया हुआ कितना 14/27, दूसरा नहीं दिया उसको एक्स मान के प्रोडक्ट किया, जैसे ही प्रोडक्ट किया दोनों नंबर गुना किया तो हमको -28/81 आ गया, ठीक है। तो यहां देखिएगा तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ट्वेंटी एट बाई एटी वन, अब चाहे तो 14 से ये 28 को कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये देखिए
ये जो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 27, और ये ऊपर है तो यहाँ पर नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का 14, तो 14 दुना 28, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये इसको 27 तिरका 81 होता है जी, देख लेता हूँ 27 गुना 3 से मल्टीप्लाई, हाँ 27 से 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3, तो कितना आ गया, तो x इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, तो इसका मतलब दूसरा नंबर क्या है, माइनस टू बाई थ्री कहीं है तो यहाँ पे माइनस टू बाई थ्री, ठीक है। उसके अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज माइनस 16 बाई 35, तो इफ वन ऑफ द नंबर इज माइनस 15 बाई 14 द अदर इज, ठीक है, तो अदर क्या होगा, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, देखिएगा, तो वहीं जब नहीं दिया था एक्स मान के सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर एक कितना दिया है माइनस 15 बाई 14 दिया है, दूसरा नहीं मालूम तो उसको एक्स मान लिया, हम प्रोडक्ट करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 बाई 35 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस देखिए, अब एक्स इधर रखने और माइनस 16 बाई 35 इसको इधर शिफ्ट कर देना है, तो 14 नीचे है तो इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस 15 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जब मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म होता है, आप जानते हो कि मल्टीप्लाई होता है तो इक्वेशन के उधर जाता है, डिवाइड होता है, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई होता है, दैट मींस कहने का मतलब ऊपर होता नीचे होता, नीचे होता ऊपर चल जाता है। देखिए अब किससे कैंसिल कैंसिल करेंगे, 7 से 7 में 14 और 7 5 35, यह कैंसिल हो गया, अब कोई कैंसिल होने वाला लग रहा है, अब हमें तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो 16 दुना 32 हो गया, एंड 15 पचे 75, तो यह हमारा आंसर हो गया, तो देखिए जो कि आपका सी नंबर में है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, करे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/5 टू गेट -2, करे -3/5 से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि -2 आ जाए, हमको नहीं पता है अभी भी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी x सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप चले आएगा, तो यहां देखिएगा -3/5 में से हम क्या करते x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा -2 आ जाएगा, तो x को उधर शिफ्ट कर देना, तो -3/5 या +2 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, देन x, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 5 और 1 कैल्सियम 5, देन ये -3 हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आप सब जानते हो करना, तो 10 में 3 गया 7 हो गया 7/5, डेट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा 7/5, 7/5 आंसर कहाँ पे है, डी पे है, करेक्ट है। अब कह रहा है 15 नंबर में कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -3, इफ वन ऑफ देम इज -10/3 देन द अदर, नहीं पता है अदर उसको एक्स मानेंगे, नहीं पता रहेगा एक्स करके सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे तो मान लेते हैं एक रेशनल में -10/3 है, दूसरा नंबर क्या है नहीं मालूम है, इसको x ऐड कर दिया तो सम -3 है, दोनों का सम करने पर -3 आ रहा है, तो x इधर रख देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 10/3 या कुछ नहीं तो 1, तो 3 1 और 3 कैल्सियम 3, देन 3 और 3 -9 + 10, ठीक कितना हो गया 1/3, तो x क्या आ गया 1/3, मतलब जो है -10/3 में अगर हम 1/3 ऐड करेंगे डेफिनेटली -3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 कहाँ है, तो 1/3 सी में है। कर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सबसे पहली बात है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म होने की कंडीशन क्या है कि उसकी डिनोमिनेटर पॉजिटिव होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन डिनोमिनेटर पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो था को प्राइम होना चाहिए, दैट मीन्स कहने का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हुए यहां चलेंगे, तो सबसे पहली बात तो यह तो छट गया, यह तो होगा नहीं क्योंकि माइनस इसके डिनोमिनेटर नेगेटिव, इसलिए तो इस छट गया, पहले छट गया। उसके बाद देखिए 9 और 16 जो नंबर है इसका दिख रहा है कि 9 और 16 यहां पे देखिए, तो इसको इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसको यहां पर रखिए, ठीक है। इस पे देखिए -49/70 इसमें दिख रहा है 7 से, यह भी डिविजिबल है 7 से, यह भी डिविजिबल, इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 आएगा नहीं, ये 12/26 है, तो 12/26 इसका भी कॉमन डिवाइजर 2 आ रहा है, इसका भी कॉमन डिवाइजर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो इसको चेक कर लें 9/16 को, क्योंकि हमको लग रहा है यही होगा, तो चेक कर लेते हैं। देखिए तो -9/16 पर चेक कर लीजिए सबको, मतलब माइंडली चेक कीजिए, उसके बाद आप उस पर वर्क कीजिए, इस पर आप थोड़ा कंफ्यूजन लगता है उसको चेक कर लीजिए, हाँ यह होगा, लेकिन डेफिनेटली यही होगा, लेकिन चेक करके आपको दिखाना चाहिए कि नहीं। देखिए 9 और 16 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो 9, तो देखिए 9 से डिवाइड करेंगे 16, तो एक बार में 16 आ गया, ठीक है 16 आ गया, तो अब कितना 9 हो गया, 9 हो गया,
तो कितना हुआ, 9 7 16 7, तो 9, ठीक है। तो फिर 7 से यह 1 बार में 7, 2 आ गया, 2 से 7, देन जो है 9 7 कितना होता है, 9 7 16 ठीक होता है। तो उसके बाद 2 7, तो 2 2 4, 2 2 4 हो गया, इसको 3 से करो ना, 6 हो गया, 7 में 6 गया 1, 1 से 2, तो 1 बार में ये 2 बार में कैंसिल हो गया, डन, तो 1 आ गया। इसका मतलब इसका एचसीएफ जो है 1 आ गया, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका मतलब जो है -9/16 जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब 7 में करा प्रोडक्ट करना इसको, तो सिंपलेस्ट प्रोडक्ट करना तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्या हो जाएगा, -9/16 इंटू जो है 8/15, तो इसको क्या, इसको 3 से देखिए, ये भी 3 से हो जाएगा, 5 बार में, ये भी 3 से, 3 बार में, और ये 8 बार में, 2 बार में कितना आ गया, -3/10 आ जाएगा, -3/10, -3/10 है ये फर्स्ट आंसर है, -3/10, 18 में इसको डिवाइड करना, ये भी इजी है। देखिए -5/9 को -2/3 से डिवाइड करनी है, तो हम जानते हैं जिसको डिवाइड करनी होती है, जो डिवाइसर होता है उसका रेसिप्रोकेट कर देते हैं, रेसिप्रोकल निकाल देते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिविजन सॉल्व हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर पे हो जाएगा, और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर चला जाएगा, दैट मीन्स 3/2 हो जाएगा, 3 से कितना बार में, 3 बार में, दैट मीन्स कितना, 5/6 हो जाएगा, -5/6 का आंसर दिख रहा है, -5/6 बी आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए अब कह रहा है कि 4/9 है, डिवाइड यहाँ क्वेश्चन मार दिया था, एक्स इक्वल टू -8/15, कह रहा है कि 4/9 को हम x से डिवाइड करते हैं तो हमको -8/15 आता है, तो x कौन सा नंबर है, तो क्या करेंगे, 4/9 यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, तो ये 1/x हो जाएगा, देन -8/15 कर देंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को उधर कर देते हैं, एक साइड कर देते हैं, नंबर को एक साइड कर देते हैं, तो 4/9 ये 15 आ गया, और नीचे जो था है आपका -8 आ गया, x ऊपर चला गया, तो 4 2 8 हो गया, और 3 3 9, 3 5 15 हो गया, कितना हो गया, 5/, ये माइनस नीचे तो ऊपर चला गया, -1 से मल्टीप्लाई कर गया, तो कितना हुआ, 6 हो गया, x इक्वल टू -5/6 आ गया, आ गया ना, तो -5/6 किधर है, यहाँ पे डी पे है, ठीक है। अब कर एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9, तो -5/9 के एडिटिव इनवर्स क्या है, तो हम जानते हैं एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली जो है उसका अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, देखिए -5/9 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 5/9 सी हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ -3/4, -3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब इसका उल्टा, तो 4/3, -4/3 क्योंकि माइनस फिर ऊपर चल जाएगा, तो -4/3 हो गया। कर रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4 के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए, तो चलिए इस रेशनल पता कर लेते हैं, तो क्या बोला है, एवरेज मेथड लगाएं क्योंकि एक ही बोला है पता करने के लिए, तो -2/3 + 1/4 एवरेज मेथड लगाएगा ना, डेफिनेटली आपका आंसर सबका सेम ही आएगा, 2 से। तो यहाँ देखिए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो यहाँ 4 3 कैल्सियम कितना होता है, 12 होता है, तो 3 2 12 4, तो यहाँ पे -8 हो गया, सभी जानते इसलिए फास्ट चल रहा हूं ना, 4 3 12 3, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हुआ, 8 में 3 गया, -5/24, -5/24, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, -5/24 आ गया। अब कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, कह रहा है नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो देखिए पहले नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो भाई नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर उसका उल्टा करो तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब इज नेगेटिव रेशनल नंबर, बी नंबर आपका सही हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। अगर आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं आपके साथ साथ आपका दोस्त का भी हेल्प हो जाए, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त का भी हेल्प हो जाए, क्योंकि दोस्त का हेल्प करना हमारा सबसे पुराने से धर्म चला रहा है। थैंक यू।